आपका इस वीडियो में। इस समय उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप न पाने वाले विद्यार्थी ट्विटर के माध्यम से ऑनलाइन सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट और प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से कि जिन छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है किसी कारणवश, प्लीज़ उनकी छात्रवृत्ति जल्द से जल्द उन्हें अदा की जाए। तो ट्विटर के माध्यम से फिलहाल ये ट्रेंड चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा, ट्रेंड रहा ये आज का ट्वीट #YogiJiSkolarshipDo। आइए देखते हैं कि यह कितने नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और अब तक कितने हजार ट्वीट हो चुके हैं। बड़ी मात्रा में ट्वीट इस पे सामने आ रहा है। ट्विटर इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप चेक करेंगे तो इस ट्वीट को #YogiJiSkolarshipDo 47th नंबर अभी तक 32,000 से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। इस ट्रेंड को अभी आप देख सकते हैं, 32,141 से ज़्यादा ट्वीट काउंट हो चुका है। कौन सा #YogiJiSkolarshipDo कि वर्तमान में भारत में 47 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। अभी तक की स्थिति है 1:21:17 4th मंथ यानी कि 17 अप्रैल की बात है। आइए ट्विटर पे चलते हैं और लाइव देखते हैं कि बच्चों की क्या रिक्वेस्ट है और किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी से अपनी स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पे न्यूज़ आर्टिकल शेयर किया जा रहा है जहां पे साफ लिखा है कि यूपी में लगभग 70-80% छात्रों की स्कॉलरशिप का फॉर्म, सरकार कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम स्कॉलरशिप नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो न जाने कितने छात्रों की पढ़ाई छूट जाएगी। स्कॉलरशिप हक है हम छात्रों का, आइए हम सब खड़े होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाएं। इस तरह से कैंपेन शुरू किया जा रहा है, विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट की जा रही है और अगर अभी तक आपने इस ट्रेंड में हिस्सा नहीं लिया तो प्लीज़ आप अपनी आवाज़ मिलाइए इनमें और इनका समर्थन करिए। संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। न्यूज़ आर्टिकल के यहाँ पे पेपर शेयर किए जा रहे हैं कि बजट की कमी की वजह से किस तरह से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है अभी तक। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे बजट की कमी से लाखों की छात्रवृत्ति फंसी है, लाखों विद्यार्थियों की। और भी आर्टिकल्स यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं, दोस्त अपनी स्कॉलरशिप्स के लिए यहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कुछ। आइए खास अपनी स्टेटस यहाँ पे शेयर किया जा रहा है और रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि #YogiJiSkolarshipDo UP Scholarship 2022 YogiJiSkolarshipDo। और यहाँ पे ऐड किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी को, सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश को। इस तरह से बच्चे ट्वीट में यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप कुछ लेटेस्ट ट्वीट देखेंगे तो बिल्कुल अभी तत्काल की यहाँ पे मंत्री जी जवाब देने की बात की जा रही है क्योंकि काफ़ी बड़े मात्रा में बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई। अभी तो ये ट्रेंड हुआ, अब आगे इसका क्या निर्णय हो गया, कहाँ तक सफल हो गया, क्या यह ट्वीट का ट्रेंड बात किसी मंत्री तक या विपक्षी पार्टियों तक जाएगी, क्या वो इस मामले में संज्ञान लेंगे और क्या जो बच्चे छात्रवृत्ति नहीं मिली है उनके लिए कोई निर्णय लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी दोस्तों आप सबको यहां से बताया जाएगा। जैसे ही कोई सूचना मिलती है उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति के रिगार्डिंग, बच्चे से कोई निर्णय लिया जाता है उत्तर प्रदेश विद्यार्थियों के बचे हुए छात्रवृत्तियों के लेके, आपको मेरे चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चैनल की तरफ से और मेरे चैनल से जुड़े तमाम विद्यार्थियों की तरफ से। उन वीर योद्धाओं का सलाम जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से यह आवाज़ उठाई और छात्रों के हक में यह छात्रवृत्ति की मांग रखी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और जैसे कोई निर्णय होता है आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।